ना तो मोदी जी की कोई रिप्लेसमेंट है आज के दिन देश में, पर हरियाणा में दुष्यंत जी की नहीं। अब तो राहुल गांधी जी, देखो राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, वो अगर वो उस दिन ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ते तो आज से शरद नहीं होती। मैं एक बात से बड़ा हैरान हूँ कि हमें 10-10 साल की कैद हुई नेताओं को, हमारे 80 साल की उम्र में इनने लड्डू बांटे, आतिशबाजियां चलाई और अभी तो जेल भी नहीं जाना पड़ा। ये बात सोचने की है ना जी, कि इतनी पतली चमड़ी के हैं कांग्रेसी। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेताओं को पतली चमड़ी का कह डाला। और अभी तो जेल भी नहीं जाना पड़ा। ये बात सोचने की है ना जी, कि इतनी पतली चमड़ी के हैं कांग्रेसी कि अभी तो एक घर ही छोड़ना पड़ा है, क्या हो गया। दिग्विजय ने कांग्रेस नेताओं पर बरसते हुए कहा कि जब उनके दादा व पिता को जेल भेजा गया तो वो लोग आतिशबाजियों के साथ जश्न मना रहे थे। अब राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर इतना डर क्यों रहे हैं। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, वो अगर वो उस दिन ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ते तो आज से शरद नहीं होती। अब तो राहुल गांधी जी, देखो मैं एक बात से बड़ा हैरान हूँ कि हमें 10-10 साल की कैद हुई नेताओं को, 80 साल की उम्र में इनने लड्डू बांटे, आतिशबाजियां चलाई, ये 2 साल से ही डर गए। दिग्विजय चौटाला ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल में नेताओं को सलाखों के पीछे डाल देने की घटना बयां करते हुए राहुल गांधी को नसीहत भी दे डाली। इंदिरा गांधी ने 1970 में इमरजेंसी काल, इन नौजवानों को शायद नहीं पता होगा, हमारी पीढ़ियों ने सहा है, क्या हुआ था, क्या हो गया, जेल जाना पड़ गया, तो जाओ संघर्ष करो। दिग्विजय ने यहां तक कह दिया कि देश में नरेंद्र मोदी और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। तो देखो अब सारे लोग, ना तो मोदी जी की कोई रिप्लेसमेंट है आज के दिन देश, पर हरियाणा में दुष्यंत जी की नहीं। जननायक जनता पार्टी में युवाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग कर रहे दिग्विजय चौटाला 2024 के विधानसभा चुनाव में 50% युवाओं की भागीदारी के पक्षधर हैं। दिग्विजय ने छात्र लोकतंत्र की बहाली के साथ आगामी सरकार में युवाओं की सरकार होने का भी दावा किया है। उन्होंने यह ऐलान भी किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी 50% सीटें साधारण परिवार के युवाओं को देने वाली है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी में इंसो के जरिए आम परिवार के छात्र नेता मुख्य धारा की राजनीति में अपनी जगह बना रहे हैं। इस सरकार को अच्छा भविष्य नौजवानों के अंदर मिलेगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा, सभी विचारधाराओं को नए नेता मिलेंगे, अच्छे नौजवान नेता आएंगे। देश को क्या चाहिए, देश को आज यूथ चाहिए जो पॉलिटिक्स को भला और बुरा ना कहे बल्कि उसका हिस्सा बनकर उसमें बदलाव। धर्म के नाम पे बांटने वालों से हमारी लड़ाई है, कॉरपोरेट कल्चर से हमारी लड़ाई है, लाल रंग का झंडा लेकर कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करने वालों से हमारी लड़ाई है, इसमें कोई जोड़। 2024 में युवा सरकार, युवा नेतृत्व और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकने देगी जेजेपी, ये हमारा प्रयास। निश्चित तौर पर हमने पहले भी मजबूत फैसले लिए और आगे भी मजबूत फैसले लेंगे। आगे 2024 में मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह करके जा रहा हूँ, चुन करके कौन आएगा ये हरियाणा की जनता देख रहेगी, मगर वो युवा ज्यादा होंगे। ये नहीं, ये सरकार को कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, इसको जून जुलाई में जैसे अन्य जगहों पर जारी होते हैं हरियाणा में भी जारी हो जाना चाहिए। लिंग दो की सिफारिशें लागू हो जानी चाहिए, एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छी लीडरशिप मिलनी चाहिए। यहाँ पर क्या है हरियाणा के अंदर, मैं क्योंकि आपको बताया लंबे समय से कॉलेजेस के दौरे करता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बच्चों की बात को उस तरह से नहीं सुना जाता जिस तरह से उनकी आवाज़ को तवज्जो। मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की खाई है, मगर हमारी नीयत में खोट नहीं है। आज हम मारुति को लेकर के आए कृपा, आज हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर, आज हम सोना IMT जिसको भूपेंद्र हुड्डा के राज में एक ईंट नहीं लगी थी हमने उसको डेवलप कर दिया, विकसित कर दिया, वहां पर जैपनीज बैटरी की कंपनी आ रही है, अमेजोन अपना हब यहां बनाना चाहते हैं, आज बड़े बड़े वेयर हाउसेस हरियाणा में आना चाहते हैं। अगर 70, देखो कोर्ट में तो मैं फैसला नहीं कर सकता, कोर्ट का फैसला
अदालत करेगी। अगर 75% पर हमारे हक में फैसला आ गया तो इस खाई को, मैं नहीं कहता 100%, मगर बहुत हद तक हम पूरा करने में। वो तो देखो अब सारे लोग, ना तो मोदी जी की कोई रिप्लेसमेंट है आज के दिन देश, पर हरियाणा में दुष्यंत जी की नहीं।